असलकम मैं ग़ुलाम रसूल आज फिर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊँगा जशीद हम लोग किस तरीके से बनाते हैं शार्क मछली को अरबिक में जशीद कहते हैं उसे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ दिखाने वाला हूँ तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और, और कॉमेंट्स भी ज़रूर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो सबसे पहले एक पीस हम लोग सार्क ले लेते हैं ये सार्क फिश हमारा है इसे हम कट कर लिए हैं यहाँ पर ही बॉईल करने के लिए अब बॉईल करने के लिए पॉट में वाटर लेते हैं उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा होल गरम मसाला साथ में ड्राई लेमन ताकि इसका स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए इसमें बहुत स्मेल रहता है उसके बाद शार्क में इसे ऐड कर लेते हैं सार्क को उसके बाद टू पीस इसमें हम टर्मरिक पाउडर दे देते हैं हल्दी थोड़ा कलर अच्छा आएगा और स्मेल जो है वो स्मेल भी खत्म हो जाएगा इसे अच्छे से बॉयल कर लेते हैं आधा घंटा उसके बाद इसे हम निकाल लेते हैं देखिए इस तरीके से निकाल लेने के बाद इसका जो स्किन है वो आपका आराम से निकल जाएगा तो आप स्किन पहले भी निकाल सकते हैं या फिर बॉयल करने के बाद निकालते हैं हम लोग बॉयल करने के बाद निकालते हैं ताकि ये आराम से निकल जाए स्किन पहले थोड़ा हार्ड रहता है स्किन अब इसमें जो काटा रहेगा हमारा बिज मीडियम में कांटे होते हैं वो कांटे को हमें निकाल लेना है और इसका मीट को अलग कर लेना है देखिए इस तरीके से ये काटा हमारे से फेंक देना है अब इसे हमें अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है देखिए इस तरीके अब एक पॉट लेते हैं उसमें ऐड कर लेते हैं टू स्पून ऑयल साथ में ऐड करेंगे उसमें टू पीस ओनियन का चॉप अब इसे हमें थोड़ा सा ब्राउन करना है फ्राई कर लेना है उसमें ऐड कर लेते हैं वन पीस गार्लिक का चॉप अब इसे अच्छे से हमें फ़्राई कर लेना है गोल्डन ओनियन ब्राउन कर रहे हैं जब तक हम मसाले देख लेते हैं सॉल्ट रहेगा है, टेस्ट के अनुसार वन स्पून रहेगा हमारा हल्दी का पाउडर हाफ स्पून रहेगा धनिया का पाउडर हाफ़ स्पून रहेगा जीरा का पाउडर हाफ स्पून रहेगा ब्लैक पेपर पाउडर और वन स्पून रहेगा अरबिक मसाले ये मसाले हम ले रख लेते हैं जब हमारा ओनियन ब्राउन हो जाए तो इन सारे मसाले को हम इसमें ऐड कर लेते हैं अब इसमें ऐड कर लेते हैं जो मैश करके हमने रखा था जशीत सार्क को बॉयल किया हुआ सार्क में जो मैश किया हुआ था उसे ऐड कर लेते हैं इसमें वाटर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है अब इसमें ऐड कर लेते हैं फाइव पीस लेमन ड्राई क्लीन किया हुआ इसका छिलके इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि अंदर वाला जो रहता है उसे निकाल कर इसमें ऐड कर लेना होता है सिर्फ हमें ठीक है उसके बाद इसे अच्छे से भूनना होता है हमें अब इसे अच्छे से हमें भुनना है दस मिनट के लिए स्लो फायर में ठीक है जब भुनना हो जाए तब इसमें हमें ऐड करना होता है घी आपको दिखाते हैं जब मैं ऐड करूँगा तो अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं फोर स्पून अरबिक का घी ये देखिए ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए अब इसे थोड़ा और भून लेते हैं अच्छे से जब और थोड़ा भुनना अच्छे से हो जाएगा तब इसमें ऐड कर लेते हैं टू पीस लेमन का जूस ऐड करना है इसमें देखिए ताकि ये और चटपटा हो जाए मज़ेदार अब इसे और दस मिनट के लिए भुनेंगे उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ आप अच्छा चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते हैं अब इसे हम सर्व करेंगे अपने प्लेट में ये हमारा रेडी हो चुका है देखिए हम प्लेट में सर्व कर देते हैं अब इसमें हम गार्निशिंग दे देते हैं थोड़ा सा लेमन टमाटो एंड पिकल ये हमारा पिकल ऑनियन है और साथ में ये पिकल है कैरेट पिकल एंड चिलीज पिकल इसे हम ऐड कर लेते हैं अभी हमारा खाने के लिए रेडी हो चुका है जशीद अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़